हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा टीपीएस टूल के बारे में। टीपीएस टूल में कुछ डिफरेंट चीजें है, कुछ कंफ्यूजन है, तो ये पूरा डिटेल्स हम लोग क्लियर करेंगे, पूरा डिस्कशन क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा ये वीडियो को, पर्टिकुलरली आपको समझ में आएगा ये टूल के अंदर है क्या और ये टूल किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड है और ये टूल किस पर्पस में आप यूज कर सकते हो, कौन सा मार्केट में आप ये टूल को यूज कर सकते हो और इसमें से कितना मुनाफा आप अर्न कर सकते हो। तो ये पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों का जितना भी कंफ्यूजन है, पूरा कंफ्यूजन तो हम लोग ट्राई करेंगे जो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। देखिए, ये है जो है ये एक्चुअली टीपीएस टूल है, ठीक है। ये टीपीएस टूल है, टीपीएस टूल जो है, टीपीएस टूल को देखिए, एक छोटा सा स्मॉल डिस्क्रिप्शन पहले मैं बात कर लेता हूं। ये टूल कहां पर आपको मिलेगा? ये टूल जो है ये आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिलेगा और ये एक पैड इंडिकेटर है। ये जितना भी इंडिकेटर है ये पैड इंडिकेटर है और ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू पे आपको इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट के अंदर आपको एक्सेस मिलेगा ये टूल का। और ये कौन सा मार्केट में काम करता है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी चाहिए तो पहले मैं बोल देता हूँ, ये फॉरेक्स मार्केट में काम करता है। जितना भी टूल है ये टीपीएस ट्रेडिंग टूल का जितना भी टूल आपको दिखाई देगा वो फॉरेक्स मार्केट में काम करता है। क्रिप्टो मार्केट में काम करने के लिए मौका मिलेगा ये टूल के जरिए। एनएससी, बीएससी, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स एंड ऑप्शन मार्केट में भी आपको ये टूल को यूज कर सकते हो। और एक बार क्लियर कर देता हूँ कौन सा मार्केट में आप इसको यूज कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, एनएससी, बीएससी, कमोडिटी, उसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हो ये टूल को, ठीक है। तो हम लोग इसका जो कैटेगोरी, हम लोग तीन कैटेगोरी के ऊपर डिपेंड करके ये टूल को मैंने फॉर्म किया हूं। तीन अलग अलग कैटेगोरी है। एक प्रो टाइप का, प्रो लेवल का मेंबर है जिनको प्रो टूल मिलेगा, ठीक, उसके लिए प्रो टूल है। जो मीडियम लेवल, एटलीस्ट जिसने जो प्रो टूल मेंबर है, जो ऑलरेडी मार्केट में रन कर चुका है, बहुत दिन से काम कर रहा है, जिसको टूल का सपोर्ट चाहिए, सिर्फ इंडिकेटर का सपोर्ट चाहिए उसका ट्रेड को कंफर्म करने के लिए, चाहे वो प्राइस एक्शन पे काम कर रहा है या चाहे वो कोई अपना खुद का स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है, बट उसको पर्टिकुलरली एक कंफर्मेशन चाहिए, तो आप लोग प्रो टूल यूज कर सकते हो। जो मीडियम लेवल का ट्रेडर है, मीडियम लेवल का ट्रेडर कौन सा होता है? जो हली हली मार्केट में आया है, एटलीस्ट डेढ़ दो साल से मार्केट में है और उसको चाहे वो पुराना ओल्ड कोई कुछ टूल के ऊपर काम कर रहा है या प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहा है और उसको उसका जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को एडवांस बनाना है और उसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट एडवांस बनाना है, प्रॉफिट का हार भी, रेशियो भी एक्स्ट्रा करना है, बढ़ाना है, तो अब मीडियम लेवल का कैटेगरी में जो टूल है उसको आप यूज कर सकते हो। अब बिगेनर पर्पज के लिए जो टूल है, तीसरे नंबर पे हम लोग जो डिवाइड करके रखा हूं ये टूल का कैटेगोरी को, ये है बिगेनर पर्पस के लिए। जो एकदम लोअर हाली हाली मार्केट में आया है, जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसको सिर्फ सिग्नल के ऊपर काम करना है, सिंपल सा उसको छोटा सा प्रॉफिट चाहिए, सिग्नल के ऊपर काम करना है, उसके लिए जो है इस कैटेगोरी में जो टूल रखा हुआ है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो ये सब कैटेगोरी के अंदर हम लोग टूल को डिवाइड किया हूं। अलग अलग कैटेगोरी में अलग अलग टूल है। आप बोलेंगे, कोई बिगेनर बंदा बोलेगा मैं प्रो टूल यूज करूंगा, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ एडवांस फीचर्स है जिसके यूज करना, जो एडवांस मार्केट में जिसको मालूम है, मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है, उसके लिए पॉसिबल होता है, बिगेनर के लिए थोड़ी ना पॉसिबल होगा। आप ये टूल को यूज करेंगे, इस कैटेगोरी का टूल को आप यूज करेंगे तो आपको खुद को कंफ्यूजन होगा, आपको खुद को पता नहीं होगा जब टूल के अंदर है वो क्या रहा है, मतलब आप खुद घबरा जाएंगे, जो टूल में तो कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जिस लेवल का टूल है वो उसी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो इसी कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करके रखा हूं, तो एक एक करके समझ लेता हूं। प्रो कैटेगरी में कौन सा टूल को हम लोग रखा हूं? प्रो कैटेगरी में जो है वो टीपीएस ट्रेडिंग टूल है। इसका अभी लेटेस्ट वर्जन 6.0 कंटिन्यू हो रहा है।
ये ऑलरेडी वर्जन 1.0 से अभी वर्जन 6.0 अपग्रेड हो चुका है, हाल ही हाल ही 2-3 महीने हुआ है इसको अपग्रेड हुआ, ठीक है। और ये बहुत दिन से काम कर रहा है, 1.5-2 साल हो चुका है ये टूल को, 1.5-2 साल से मार्केट में काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट देने में सक्षम है ये टूल, ये प्रो टूल है। और मीडियम लेवल का टूल के अंदर, जो मीडियम लेवल का टूल है उसके अंदर कौन सा टूल है, दो टूल है, एक टीपीएस प्राइम प्लस, एक टीपीएस प्राइम एडवांस प्लस। पूरा स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा टूल का, पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, मैं बता देता हूँ। ये मीडियम कैटेगरी का जो ट्रेडर है उसके लिए है, मीडियम कैटेगरी का जो ट्रेडर है उसके लिए है ये दोनों टूल। उसके लिए बिगेनर है, जो हाल ही हाल ही मार्केट में आया, जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, उसके लिए दो टूल है, एक टीपीएस बोरिंग ट्रेडिंग टूल, एक टीपीएस बोरिंग ट्रेडिंग टूल और एक टीपीएस बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर। ये दो टूल है इसका। ये जो टीपीएस बाय सेल सिग्नल इंडिकेटर है, इसका एक फ्री वर्सन भी आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा, फ्री वर्सन भी आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा इसका, जिसको हम लोग डेमो के लिए मैंने उसको अप्लाई करके रखा हूँ, डाल के रखा हूँ। इसका पूरा फुल फीचर्स तो काम नहीं करेगा उसमें, ये टूल के अंदर जितना भी फीचर्स है टीपीएस बाय सेल सिग्नल टूल के अंदर, जो प्रीमियम टूल है, प्रीमियम टूल के अंदर जितने भी फीचर्स है उतना फीचर्स तो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बाय एंड सेल का सिग्नल मिलेगा। वो भी क्या है, वो सिर्फ स्टॉक के ऊपर काम करेगा, ये जो टूल है ये आपको स्टॉक प्लस इंडेक्स के ऊपर काम करेगा, कोई भी इंडेक्स के ऊपर काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो मैं इसमें डाल के रखा हूँ ट्रेडिंग व्यू को, फ्री मेंबर के लिए जो मैं ये टूल डाल के रखा हूँ, फ्री के यूज करने के लिए, कोई बंदा फ्री में यूज कर सकता है, उसमें आप इंडेक्स में काम नहीं कर सकते हो। जैसे आप निफ्टी बोलो, बैंक निफ्टी बोलो, ये जो इंडेक्स होता है, कोई भी इंडेक्स में इसका सिग्नल आपको मिलेगा नहीं, ब्लैंक दिखेगा आपको, ये टूल काम नहीं करेगा, ठीक है। बट ये जो प्राइम टूल है, ये जो प्राइम टूल है, ये जो देख रहे हो प्राइम टूल, ये प्राइम टूल इंडेक्स में भी काम करेगा, हर जगह पे आप इसको काम पे लगा सकते हो, ठीक है। और इसका एक्यूरेसी, वो जो फ्री वाला टूल है उससे कोई गुना डबल है, डबल एक्यूरेसी है उसमें आपको 40% जो फ्री में डाल के रखा हूँ उसमें आपको 40% एक्यूरेसी मिलेगा, और इसमें 95% प्लस एक्यूरेसी आपको मिल जाएगा ये टूल के अंदर। तो बिगिनर के लिए जो दो टूल है दिखा दियो, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो पैड इंडिकेटर है, नंबर ऑफ 5 इंडिकेटर है। पूरा डिटेल्स क्लियर हो गया है, हम लोग ये टूल किसके ऊपर काम करेंगे, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर काम करेगा, कौन सा मार्केट में काम करेगा हम लोग समझ चुका हूं, और कौन सा टूल किसको लेना चाहिए, बिगिनर को कौन सा टूल लेना चाहिए, प्रो मेंबर को कौन सा टूल लेना चाहिए, जो मार्केट में 2-3 साल से काम कर रहे हैं उसको कौन सा टूल लेना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल समझ चुका हूं। अभी एक एक करके देख लेता हूं। जो प्रो मेंबर के लिए है टीपीएस 10 ट्रेडिंग टूल, इसका क्या है, ये एक ऑफर भी चल रहा है यूट्यूब का मेंबर के लिए, सब्सक्राइबर के लिए एक ऑफर चल रहा है, जो 6500 में लाइफ टाइम आपको मिलेगा। और ये टूल कुछ इस तरीके से दिखता है, बाय अप ट्रेंड आपको मिलेगा, अप ट्रेंड के साथ आपको बाय सिग्नल मिलेगा तो आप बाय करेंगे, ठीक है, और डाउन ट्रेंड के साथ आपको सेल सिग्नल मिलेगा तो आप सेल करेंगे, और अप ट्रेंड के साथ आपको बाय सिग्नल मिलेगा तो आप बाय करेंगे। अब बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये प्रॉफिट अर्न करके देता है, और साथ में आप देख सकते हो साथ में आपको ऑटो ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, और टारगेट पॉइंट भी आपको इस टूल के अंदर मिल जाएगा। ये फैसिलिटी है ये टूल के अंदर। अभी नेक्स्ट जो है, जो मीडियम लेवल का ट्रेडर है उसके लिए जो टूल है ये टीपीएस प्राइम टूल है, टीपीएस प्राइम एडवांस टूल है। प्राइम प्लस में क्या है, प्राइम प्लस में आपको बाइक ट्रेंड के लिए मिलेगा, बाइक ट्रेंड का डिटेल्स मिलेगा, आपको एंट्री लेना है, बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट बुक करना है, सेल ट्रेंड का सिग्नल मिलेगा और आपको सेल करना है, और बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट बुक करना है, बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, बीच में कुछ भी नहीं करना है, एक बार सेल ट्रेंड खत्म हो जाने के बाद, एक बार प्रॉफिट बुक होने के बाद तो आपको कोई बुक एंट्री नहीं करना है, दोबारा आपको बाय ट्रेंड का सिग्नल मिले तो आपको बाय करना है, और आप प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट दोबारा प्रॉफिट बुक हो जाने के बाद आपको एंट्री नहीं करना है, ठीक है। और इसमें सर लेवल भी आपको प्रोवाइड कर देता है, आपको मार्केट में क्या सिचुएशन होने वाला है उसका भी डिटेल्स आपको इसमें प्रोवाइड कर देता है। अब इसका जो लाइफ टाइम कॉस्ट है 4500 रुपीज है। अभी नेक्स्ट टूल जो है वो टीपीएस प्राइम एडवांस टूल है। टीपीएस प्राइम एडवांस टूल है, टीपीएस प्राइम एडवांस टूल में जो फीचर्स, एडवांस फीचर्स है,
एक तो बाई सिग्नल आपको प्रोवाइड करेगा, बाई सिग्नल और ट्रेंड कंफर्मेशन सिग्नल प्रोवाइड करेगा, दोनों सिग्नल आपको प्रोवाइड करेगा। ये टूल ट्रेंड कंफर्मेशन और बाई सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और साथ में आपको ये टारगेट लेवल एंट्री लेवल देने के बाद आपको टारगेट लेवल भी बताएगा, टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, ये टारगेट लेवल आपको मिल जाएगा ये टूल के अंदर। और आपको एक मीटर मिलेगा जो स्पीडोमीटर है, इसको स्पीडोमीटर बोल रहा हूँ, और ये मार्केट का ट्रेंड के बारे में बताएगा। मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में, ये जो किंग शॉट आपको दिखाई दे रहा है इसमें मार्केट फुल बुलिश ट्रेंड में है, तो यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है ये बुलिश में देख रहा है, डीप ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे जो जो सिचुएशन रहेगा मार्केट के अंदर, करंट जो सिचुएशन रहेगा वो करंट सिचुएशन को ये आपके सामने प्लॉट करके बताएगा। और बहुत ही एडवांस है ये टूल, बहुत ही एडवांस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल टूल है ये। नेक्स्ट टूल जो है बिगेनर के लिए है, ये बेसिकली बिगेनर के लिए है, टीपीएस बाई सेल सिग्नल टूल। इसके अंदर बेनिफिट क्या है, आपको बाई सिग्नल मिलेगा, सेल सिग्नल मिलेगा, और साथ में स्क्वायर ऑफ पॉइंट भी मिलेगा। स्क्वायर ऑफ कहाँ करना है, प्रॉफिट ईएक्स बोल के आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको स्क्वायर ऑफ पॉइंट है। आप इस जगह पे बाई किए तो आपको इस जगह पे निकल जाना है, इस जगह पे निकलने के लिए बोल रहे हैं। आप सोचो इस जगह पे गए पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाए, यहाँ पर आपको चैनल को हिट कर दिया, ये जो अपसाइड का ये टारगेट चैनल है, डाउन साइड में एंट्री चैनल है, एंट्री चैनल को अपसाइड में गया, टारगेट चैनल को हिट कर दिया, उसके बाद भी आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, अपने होल्ड करने लगा, जो टारगेट चैनल को भी तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा ये तो पॉसिबल नहीं होता, ये टारगेट चैनल को तोड़ के मार्केट अपसाइड जाए ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी आपके अंदर दिल के अंदर कुछ ख्वाहिश रहते हैं, कोई कोई इंसान का जो इसके ऊपर भी जाएगा तो उसको ये सिग्नल मिलने तक वेट करना चाहिए, और ये सिग्नल मिलने में तुरंत स्क्वायर अप कर जाना चाहिए। ये टूल के अंदर ये बेनिफिट है, और साथ में जो बेनिफिट ये टूल के अंदर है वो है रेंज बाउंड मार्केट का। आपको ये पर जो आपको एक ब्लू कलर का यह पर देखिए, यह पर देख मार्केट एक रेंज बाउंड में था, अप टेन टू रेंज बाउंड था ये, ठीक है, अपटर्न टू रैंक डाउन था, मार्केट अपसाइड गया डाउन आया, अपसाइड गया डाउन आया, मार्केट अपसाइड गया फिर डाउन आया। तो ये जो रेंज बाउंड था, ये रेंज बाउंड को ये ऑलरेडी प्लॉट करके बता रहा है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड है, इस जगह पे कोई ट्रेड बीच में लेना नहीं चाहिए। आपका ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपको इस जगह पे कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा फीचर्स है जिसको आपको रेंज बाउंड मार्केट को पकड़ने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। और इसमें आपका जो लॉसेस का चांस, रेंज बाउंड मार्केट में बहुत ज्यादा लॉसेस का चांसेस होता है, वो लॉसेस को चांसेस को ये इंडिकेटर बहुत अच्छी तरीके से कम कर देता है। तो ये एक बेहतरीन आपके लिए टूल है जिसका कीमत है 3500, ये लाइफ टाइम के लिए है, और ये बिगेनर के लिए है, बिगेनर ही यूज करेंगे ये टूल को, बिगेनर के लिए सबसे बेस्ट टूल है ये, ठीक है। और उसके अलावा आप चाहते हो एकदम सेफली आपको ट्रेड करना है, मार्केट में कोई रिस्क लेना नहीं है, जीरो रिस्क के ऊपर आपको काम करना है, एकदम जीरो रिस्क, 1% भी रिस्क लेना नहीं चाहता है कोई भी बंदा, तो उसके लिए मैं ये टूल को फेवर करूंगा, टीपीएस बोरिंग ट्रेडिंग टूल। ये टूल के अंदर खासियत क्या है, इसके अंदर कुछ फिल्टर लगा हुआ है जो मक्खी के जैसा आपको अपसाइड अपसाइड डाउन साइड दिख रहे हैं। जैसे मार्केट एक ट्रेंडिंग में आ जाता है, जैसे मार्केट एक ट्रेंडिंग में आ जाता है, ट्रेंडिंग आने के बाद आपको बाय सिग्नल मिल चुका है, आपको बाई सिग्नल डायरेक्ट मिलने में ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड लेना है कहां पर, जैसे मार्केट एक ट्रेंडिंग में आ जाता है, फिल्टर डाउन आ जाता है, फिल्टर डाउन आ जाता है तो आपको एंट्री लेना है। जैसे इस जगह पे कोई पर भी आप एंट्री लो, एक दो तीन चार कैंडल छोड़ के भी आप एंट्री लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू नहीं है। और आपको जहां तक ये फिल्टर अपसाइड में दोबारा नहीं आ जाता तब तक आप टिके रह सकते हो, कोई सिग्नल कलर ये जो जितना भी इंडिकेटर का कलर वगैरह दिया हुआ है उसके अंदर उसका झंझट में आपको पड़ना ही नहीं है, आपको सिंपल बाय सिग्नल देखना है। और ये जो फिल्टर है, फिल्टर डाउन साइड में रहेगा, जब तक डाउन साइड में रहेगा तब तक आपको कंटिन्यू करना है। जैसे इस जगह से देख सकते हो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे फिल्टर अप साइड में आ गया है, मतलब इस जगह पे आपको स्क्वायर अप करके निकल जाना है और आपको सेफली प्रॉफिट आपको मिल जाएगा ये टूल में। ये 100% है, 100% आपको सेफली प्रॉफिट ये टूल के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, और इसके अंदर ये यहां से आपको प्लॉट कर रहा है, जब तक ये अपसाइड में फिल्टर रहेगा, डाउन साइड में फिल्टर रहेगा, तब तक आपको मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं करना है, आपको ये बात को ध्यान रखना चाहिए।
आपको कोई भी ट्रेड आपको नहीं करना है जब तक अपसाइड में फिल्टर रहेगा, डाउन साइड में फिल्टर रहेगा, कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है। चाहे कितने बार बाई सिग्नल आ जाए, चाहे कितने बार सेल सिग्नल आ जाए, आपको हटना नहीं है, मार्केट में हाथ ही नहीं डालना है। और ये टूल का कीमत है 4000, और ये बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए और एक इंडिकेटर मैं इनबिल्ट किया हूँ, जो एकदम सिंपल इंडिकेटर है, बिगिनर के लिए बेसिकली है। और इसका जो लाइफ टाइम का कीमत है 1000 रुपीज का है, 999 का। ये लाइफ टाइम के लिए ये टूल है। ये टूल के अंदर क्या है, आपको बाई सिग्नल मिलेगा, आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो आपको कैंडल कलर ग्रीन होता है आपको बाई करना है, जहां पर सेल सिग्नल आए तो निकल जाना है, और दोबारा आपको बाई सिग्नल मिल जाए तो दोबारा आपको एंट्री करना है, और ट्रेंड के साथ आपको कंटिन्यू करना है अपसाइड के लिए। ठीक है, ये ट्रेंड वाइज ये टूल काम करता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से आपको ये टूल दिखाई देगा, बहुत ही इजी, आपको समझने में भी आसानी होगा, कोई भी झंझट नहीं है ये टूल के अंदर, बहुत ही अच्छा टूल है। बट यहाँ पर जो बोरिंग टूल है, बोरिंग टूल सबसे नंबर वन बेस्ट ट्रेडिंग इंडिकेटर है इस स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसके अंदर ये फॉर्मूला डाला हुआ है, जो आपको लॉसेस से ये बचाएगा। आपको लॉसेस से कहाँ बचाएगा, जैसे ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है, आपका इंडिकेटर चाहे कितना भी ग्रीन बोले रेड बोले उससे मतलब नहीं है, आपको ये एंट्री करने ही नहीं देगा। जब भी मार्केट रेंज बाउंड होगा आपको एंट्री नहीं करने देगा, जब भी एंट्री होगा तब भी ये, जैसे सेल ट्रेंड में मार्केट होगा तो ये फिल्टर पीछे की तरफ हट जाएगा, और बाई ट्रेंड में मार्केट होगा तो आपको एंट्री देने के बाद फिल्टर डाउन साइड में आ जाएगा। जब तक ये डाउन साइड में रहेगा तब तक प्रॉफिट लो, उसके बाद मार्केट से निकल जाओ। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद भी आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है तो मेरा व्हाट्सअप में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये पूरा इंडिकेटर का वीडियो, जितना भी इंडिकेटर है, टीपीएस बोरिंग टूल है, टीपीएस ट्रेडिंग टूल है, टीपीएस बोरिंग टूल का तो ऐसा तो नॉर्मली मैं ज्यादा वीडियो नहीं डाला हूँ, सिर्फ लाइव ट्रेडिंग का वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा इसका। इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा लाइव ट्रेडिंग किया था ये टूल के ऊपर, क्योंकि ये टूल एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, तो मैं इसके ऊपर कंफर्टेबल महसूस करता हूँ लाइव ट्रेडिंग करने में, तो इसी के ऊपर मैं ज्यादातर लाइव ट्रेडिंग ही करता हूँ। लाइव ट्रेडिंग वीडियो मैंने बहुत सारा अपलोड भी कर चुका हूँ, फॉरेक्स मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मैं इसके ये टूल को यूज कर चुका हूँ, तो ये बेहतरीन टूल है, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो। तो फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेज डालिए, सर मुझे ये चीज का कंफ्यूजन लग रहा है, डाउट फील हो रहा है, तो ये मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए, एक बार फोन कीजिए, मैं 100% आपको फोन करूंगा या टेस्ट करूंगा। ठीक है।